हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। बम्पर नंबर ऑफ सीट पे ये रिक्रूटमेंट आई है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स है। तो यूपी की रिक्रूटमेंट, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम की पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया, मतलब कि कंप्लीट डिटेल वे में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले बता दिया है, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड की रिक्रूटमेंट आई है। आप सोच रहे होंगे यूपी ट्रिपल एससी क्या होता है? उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन होता है। इसके थ्रू ना आपको उत्तर प्रदेश में जो भी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। तो चलिए बता दूं कि इस वैकेंसी के थ्रू टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है, कितना सीट है। 709 सीट्स के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैटेगरी वाइज ना क्या क्या सीट रखा गया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जनरल का 333 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 69, ओबीसी के लिए 97, एससी कैंडिडेट्स के लिए 189 एंड एसटी के लिए 5 सीट रखा गया। वहीं पर हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए अगर, तो जनरल का 8 सीट रखा गया, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी के लिए 4 सीट्स है, एससी के लिए 3 एंड एसटी कैंडिडेट्स का कोई सीट नहीं है। तो अभी आपको बता दूं कि पोस्ट वाइज की किस पोस्ट का कितना ओवरऑल सीट है। फॉरेस्ट गार्ड का 693 सीट्स पे रिक्रूटमेंट आई है, वाइल्ड लाइफ गार्ड का ओनली 16 सीट्स के लिए वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। इसका फॉर्म फ्रेंड्स आपको 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 10th October 2023 रहने वाला है। आपको 10 अक्टूबर का वेट नहीं करना है, आपको वेट करना है 20 सितंबर का। फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन होता है, आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर देना। ऐसा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बाद में ना सर्वर इशू की वजह से फिर आप ही का फॉर्म छूट जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो अप्लाई आप कर देना। अब बात करें अगर फॉर्म की फ़ी के लिए, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, मेल, फीमेल, हर किसी से यहाँ पे 25 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट लिया जाएगा। तो फॉर्म का फ़ी बहुत ही कम है, तो बहुत खुशी की बात है। चलिए अब एज लिमिट डिस्कस कर देते हैं। फ्रेंड्स, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of July 2023 एंड मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका 40 ईयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी एंड एससी एसटी सबको मिलेगा 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। आइए अब बता देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन आपका सिंपल है, अगर आपने 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। डजंट मैटर कि आपका क्या परसेंटेज है, बस 10+2 पास आउट होना चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम दिया था 2022 में, मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का स्कोर कार्ड 2022 वाला अगर आपके पास है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए मैं बता देती हूँ आपको सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रखी गई है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होता है क्या, रिटन एग्जाम पास करना होता है। देन होता है आपका पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी मींस की फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग होता है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड या मेजरमेंट टेस्ट, मतलब इसमें आपका ना फिजिकल मेजरमेंट लिया जाता है।
उसके बाद होता है मेडिकल, देन आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। ज्वाइन करने की बहुत जल्दी होती है सबको, बट थोड़ा वेट करो आप, पहले एग्ज़ाम आपको देना होता है। तो एग्ज़ाम की पैटर्न हम लोग समझ लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, ऑफलाइन पेपर होता है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। टाइम मिलेगा आपको 2 hours and 30 minutes का। निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4, यानी कि 0.25 की आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। चलो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हिंदी लैंग्वेज एंड एसे राइटिंग के आपको 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब कि रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के लिए। सो ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 hours and 30 minutes का पेपर होगा। सो आई होप कि एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको फिजिकल क्राइटेरिया। सबसे पहले होता है आपका हाइट का मेजरमेंट। तो मेल कैंडिडेट्स में जनरल एंड अदर्स का मिनिमम हाइट जो होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल्स के लिए जनरल एंड अदर्स का 150 सेंटीमीटर रखा गया, एसटी कैंडिडेट्स का 147 सेंटीमीटर रखा गया। उसके बाद होती है चेस्ट की मेजरमेंट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। जनरल एंड अदर्स का 84 टू आपका मतलब 5 सेंटीमीटर का ना यहाँ पर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो आपका 84 टू 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स का 82 से लेके आपका 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रही बात वेट की, तो मेल का वेट नहीं होता है कैलकुलेट, यहाँ पे फीमेल्स का वेट का जो मेजरमेंट किया जाता है, मिनिमम 45 केजी टू मैक्सिमम 58 केजी वेट आपका होना चाहिए। उसके बाद हो गया आपकी पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग का टेस्ट होता है। तो मेल के लिए रनिंग होती है 25 किलोमीटर की, 4 hours में आपको कंप्लीट करना होता है विथ 10 kg वेट, मतलब 10 kg का वेट उठा के आपको 25 किलोमीटर दौड़ना होगा 4 घंटे में। फीमेल्स के लिए 14 किलोमीटर की रनिंग होती है, 4 hours में ये भी कंप्लीट करना होता है, उनको भी 10 kg वेट के साथ ही रन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया, फिजिकल क्राइटेरिया भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब आपको बता देती हूँ कि आप जब जॉब ज्वाइन करोगे तो इनिशियल इनहैंस सैलरी आपको क्या दिया जाएगा। आपका जो सैलरी रहने वाला है स्टार्टिंग में 25,000 टू आपका 28,000 पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। रही बात जॉब लोकेशन की, तो सबको इतना समझ में आता होगा कि ऑब्वियसली यार यूपी की जॉब रिक्रूटमेंट है, तो यूपी में ही आपको सर्व करना पड़ेगा। एंड एग्ज़ाम सेंटर भी आपको यूपी में, आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करो, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आपको ना यूपी जाकर के एग्ज़ाम देना होगा। सो आई होप कि सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में आके पूछो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इसका मैं नोटिफिकेशन ना पीडीएफ डाल दूंगी। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सबका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो मिलूँगी आपसे फिर से किसी ज़बरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।